कल हम जो प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे थे वो हम पब्लिकली फेंक रहे थे having with some angle theta और ये velocity u, याद आया? और दो velocity flutter करती रही है, दो component होते थे, that first component is, ये वाला जो component होता था, that is x direction का component, the starting velocity is u cos theta, और ये component क्या था? u sin theta, ये था oblique projectile, बल्ले से गेंद को अगर मारा जाता है, तो obliquely गेंद जो होती है, ऊपर की तरफ जाती है, this is called oblique projectile, okay? अंशिका don't worry, मैं तुम्हारा lecture पूरा ले लूँगा इसका, class का, अभी तुम जितना समझ में आए समझते चलो, कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना। अब आज हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। आज आप किसी हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को फेंकने वाले हैं। सपोज आपके पास ये हाइट h है। हाँ बोलिए। सर आपने बोला तो परपेंडिकुलर फेंक ही नहीं सकते। नहीं, 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 अभी तो मैंने बोला ही नहीं कि कैसे फेंकना है। मैंने अब लिख रहा हूं मैं, फेंकने का तरीका ये है, ठीक ना, ऑब्लिकली। अब आप सपोज इस कैप को यदि देखिए, अगर आप धक्का दे रहे हैं ये, तो देखा आपने इसका पाथ, ये पैराबोला ट्रैजेक्टरी है ना, पैराबोला ट्रैजेक्टरी है, ये कैसा गिरा है, इधर से लेके नीचे की तरफ गया है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल है। क्यों? आपने स्टार्टिंग वेलोसिटी इसको दे दी, फिर इसकी पूरी मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रही है, हाँ या ना, अंडर द ग्रेविटी हो रही है, इसलिए ये कौन सा मोशन हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। अब आपने इसको x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या दिया है, u, क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है, नहीं कर रहा ना, x डायरेक्शन में देखो कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं यहां पे, इन x डायरेक्शन, यहां लिख रहा हूं मैं इन x डायरेक्शन एंड इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन दो बातें करूंगा, यस, x डायरेक्शन y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी बोलिए कितनी है, u, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में, u, बेटा y डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है बोलो, जीरो, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो, अरे मैंने y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी, अगर मैंने y डायरेक्शन में वेलोसिटी दी होती तो मुझे इसको कैसे मारना पड़ता, ऐसे, ये नीचे की तरफ, तो यहां ये पार्टिकल ऐसे जाता, इसका मतलब कुछ वेलोसिटी ये होती और कुछ वेलोसिटी ये होती, बट मैंने अभी तो इसको जस्ट फॉरवर्ड क्लिक किया है, फॉरवर्ड मारूंगा तो केवल आगे की तरफ वेलोसिटी दी है, नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं दी है। आपके मन में सवाल आ रहा कि अरे सर ये फिर नीचे क्यों ट्रेवल कर रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ओके, नाउ एक्सेलरेशन इज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू माइनस जी, समझ गया ना, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू माइनस जी, क्लियर हुआ। अब चलिए मान लीजिए किसी पोजीशन पर इसकी इसकी ये पोजीशन P है और यहां पर इसने x डिस्प्लेसमेंट और y डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, मतलब x एक्सिस में इसने x ट्रेवल किया है यहां तक आने के लिए और y एक्सिस पे इसकी पोजीशन कितनी है, y, है ना, ये है x, यहां तक यहां पर इसकी पोजीशन है ये x और ये पोजीशन ये डिस्टेंस कितनी है y, तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, x कॉमा y, क्लियर है। अब हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनाना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब x और y में रिलेशन, इसके x और y में रिलेशन, कल निकाला था हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का, कल निकाला था हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का, क्या था देखो, y equal to x tan theta minus 1 upon 2 gx square upon u square cos square theta, याद है, ये कल निकाला था, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का था, आज हमको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं, यस, मान लीजिए पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम टी लगा है, कितना टाइम लगा है, टी, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इस पार्टिकल को टाइम टी लगा है, यहां तक पहुंचने में, ओके, टाइम टी लगा है। अब टाइम टी में इसने एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, स्मॉल एक्स, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, स्मॉल एक्स, क्लियर है, तो चलिए लगाते हैं by second equation of motion, second equation of motion लगाते हैं, है ना, x direction में, क्या होता है second equation of motion, s equal to ut plus half at का square, क्योंकि motion x direction में हो रहा है, इसलिए आप subscript लगा लो, sx equal to ux into t plus 1 upon 2 ax into t का whole square, agree, sx equal to ux into t plus 1 upon 2 ax into t ka whole square. Now, what is sx? What is displacement in x direction? X.
x, good. X equal to, what is ux? What is ux? U. U into how much time? Time. T. Time t plus 1 upon 2. What is acceleration in that direction? 0 into t squared. Doesn't matter. Answer x equal to ut. So time taken equal to x upon u. First. Time taken equal to x by u. Okay? Time taken equal to x by u. ये time taken यहां तक का है. यहां तक आने में कितना समय लगा projectile को, that is equal to x by u. Agree? Next, आगे देखते हैं. ये हो गया. Now motion in y direction. लिखना बंद करिए. Now we considering the motion in y direction. Motion in y direction. Yes, y direction में ये particle यहाँ से यहाँ चला. Particle यहाँ से यहाँ चला है ना? तो इसका displacement कितना होगा? Y. Origin के respect में इसका displacement कितना है? Y. तो final displacement is y. Y आप minus लगा सकते हैं because नीचे की तरफ आ रहा है displacement, तो आप minus लगा सकते हैं because नीचे की तरफ आ रहा ना particle, कल ऊपर जा रहा था अभी नीचे की तरफ आ रहा है, minus लगा सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. This is minus y. Wait, अभी लिखना पड़ेगा s equal to ut plus half at का square. ये यहाँ पे क्या आएगा? Y. यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी क्या आएगा? Y. Sy. What is sy? Minus y. Minus y. यहाँ तक पहुँचने के लिए displacement कितना travel हुआ? Minus y. Equal to u y. What is u y? Zero. Constant into t plus 1 upon 2 a y. Minus g. Minus g. 9 नहीं है. T का square. T की value निकाल रखी है. क्या है? X upon u. तो x upon u का whole square. Minus y equals to minus 1 by 2 g. X square upon u square. Minus से minus cancel. Y equal to 1 by 2 gx square upon u square. Again this is a parabola because what is the power of x? 2. So that is quadratic and quadratic equation will represent a parabola. इसलिए इसका भी path जो होगा parabola होगा. Okay then. पूरा समय बनाना है ना, तो स्मॉल टी को पूरे टी मतलब पूरे यहां तक मोशन करवाइए,
हाँ, यदि पार्टिकल ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मोशन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट बोलिए कितना हो जाएगा वाई डायरेक्शन में? हाँ, कैसे होगा? जीरो। पूरा ऊपर से लेके नीचे गिर गया, हाइट एच है तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एच माइनस एच, डाउनवर्ड है माइनस एच, तो माइनस एच इक्वल टू व्हाट इज यू आई? जीरो, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई इनिशियल वेलोसिटी दी ही नहीं है। सो यू आई इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू टी कैपिटल टी प्लस वन अपॉन टू, व्हाट इज ए वाई? माइनस जी इंटू कैपिटल टी का होल स्क्वायर। स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्लेस इसलिए किया क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कैपिटल टी है, पूरा समय की मैं बात कर रहा हूं, समझ गया ना, पूरा समय कैपिटल टी है। सो माइनस एच जीरो इंटू समथिंग जीरो माइनस वन अपॉन टू जी कैपिटल टी का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, एच इक्वल टू वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर, दिस टू इंटू एच इक्वल टू टू एच, टू एच इक्वल टू जी टी स्क्वायर इक्वल टू टू एच अपॉन जी टी इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी, दिस इज द टाइम ऑफ लाइट। ये वही टाइम है जो आपने उसमें निकाला था वन डायमेंशन मोशन में। वहां बदलती है जहां पर एक्सेलरेशन काम कर रहा हो, समझ में आ रही है मेरी बात?
यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, मतलब इसकी वेलोसिटी ता उम्र यू बनी रहेगी। अगर ऊपर एक प्लेन उड़ रहा था और उसने 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से प्लेन जा रहा था, उसने एक ब्रेड का पैकेट फेंका, तो यहां भी ब्रेड का पैकेट 200, यहां भी 200, 200, 200, 200, 200, जमीन में गिरते समय भी ब्रेड का पैकेट कितनी रफ्तार से गिरेगा? 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिरेगा। यस, वेलोसिटी सेम रहेगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं। और जब बुलेट वाला होता है, जब बुलेट फायर होती है, तो वेलोसिटी सेम। देखिए, बुलेट जो फायर होती है उसमें भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती। कल मैंने बताया था कि ये जो कंपोनेंट बुलेट बुलेट अगर मतलब आप जी तोप का गोला बोल रहे हो तो ऐसे फायर किया जाता है, याद आया? तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनता है? यू कॉस थीटा, याद आया? और कल मैंने बताया था यहां भी कितना यू कॉस थीटा, यहां भी कितना यू कॉस थीटा। यहां पर केवल u cos थीटा रहता है क्योंकि v जीरो हो जाता है। यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर vy कितना हो जाता है? जीरो। यहां भी u cos थीटा, यहां भी u cos थीटा, यहां भी u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन की यही विशेषता है कि थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फिक्स बना रहता है, सेम बना रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसके उसको एक्सेलरेट कर सके, उसको बढ़ा सके। समझ गया? समझ में आ गया ना? क्योंकि ग्रेविटी केवल डाउनवर्ड मूवमेंट देती है, मतलब ऊपर जाने पर स्लो करती है और नीचे आने पर फास्ट करती है। ग्रेविटी का मतलब इससे नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो वो प्रोजेक्टाइल ही नहीं है। कल मैंने पहली बात बोली कि वो प्रोजेक्टाइल ही नहीं, प्रोजेक्टाइल की शर्त थी कि उसमें कोई फ्यूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फ्यूल है तब तो आप सीधे जाते जाओगे ना, ये जाते जाओगे, क्लियर हो गया ना? तब वो प्रोजेक्टाइल नहीं है। क्लियर? आप जो दिवाली में रॉकेट जलाते हो वो प्रोजेक्टाइल नहीं है। वो प्रोजेक्टाइल कब बनता है? ऊपर जाने के बाद, जब उसका पूरा का पूरा रॉकेट का जो बारूद होता है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद वो अंडर द ग्रेविटी आके ऐसे गिरता है। समझ में आया? दैट टाइम इट विल बिकम प्रोजेक्टाइल। क्लियर? तो हमको क्या निकालनी है? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इस तरफ हो रही है, इस तरफ मोशन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, इस तरफ का एक्सेलरेशन जीरो है। तो आप चाहे तो इसमें सिक्स क्लास का फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं, नहीं तो ये भी लगा सकते हैं अपना एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक्स जाके आगे कितना हो जाएगा? जीरो। ये देखिए यहां पे x लगाइए, क्यों? क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए और हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग x ट्रेवल होगी। Sx इक्वल टू ux इनटू t 1 अपॉन 2 ax इनटू t का स्क्वायर। एग्री? चलिए Sx, हाँ बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना देना है इसको हमको, बोलो कितना है Sx? r, x डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना है? r, r इक्वल टू ux, x डायरेक्शन में u कितना है? u। बच्चों टाइम कितना ले लूं? कौन सा टी? स्मॉल टी, कैपिटल टी? कैपिटल। अरे स्मॉल टी कैसे ले लूंगा भाई? यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो यूटिलाइज हुआ होगा। यहां से यहां कब पहुंचा होगा? जब टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा यूज हो गया होगा। बोलिए हाँ, तो कौन सा टी लेना पड़ेगा? कैपिटल टी। यस, तो यू इंटू कैपिटल टी प्लस वन अपॉन टू एक्सलेशन, बोलो जीरो, खेल खत्म हो गया उसका। आंसर आर इक्वल टू यू इंटू कैपिटल टी, कैपिटल आर इक्वल टू यू की वैल्यू तो यू है, टी की वैल्यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज, ये है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, इतनी दूर तक आपका फ्लाइट जाएगा। ओके, इतनी दूर तक आपका जो प्रोजेक्ट है अलोंग द ग्राउंड इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्ले, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है ना? हाँ, अब आप चाहे तो टाइम ऑफ फ्लाइट इससे निकाल सकते हो, इस वाली डायरेक्शन का यूज करके। कैसे? वो भी देख लो, वही फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्टेंस आर इक्वल टू सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इन टू टाइम। स्पीड कितनी यहां से यहां तक की? यू। डिस्टेंस कितनी है? आर। टाइम कितना है? टी। तो आपको टी निकालना है, तो टी ऊपर और आर के नीचे कौन? यू। तो आर की वैल्यू ये निकाल ली आपने, क्या निकाली? यू अंडर रूट 2h अपॉन कितना? जी डिवाइडेड बाय यू से यू कैंसिल। देख लो टाइम ऑफ फ्लाइट वही आ गया, बट इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना पड़ता। तो ज्यादा बेहतर क्या है? हाइट दे दो और हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लो। समझ गया ना?
दिमाग से पढ़ना सब क्लियर होगा, रटना नहीं है किसी भी बात को, क्लियर है? ये हो गया। अब हम निकाल रहे हैं न्यूक्लियस को, अब हम निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम। यहां पर हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर u है, यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है। स्टार्टिंग पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी होगी जीरो, क्यों? क्योंकि आपने अपकट ऐसे पिच किया है। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहां पर ये u वाली थोड़ा सा vy आ गया कि नहीं आया? क्यों? ग्रेविटी खींच रही है, ग्रेविटी खींचेगी तो नीचे की तरफ बढ़ेगी वेलोसिटी, अगर नहीं बढ़ता तो ये कभी झुकता नहीं, ये तो ऊपर चला जाता। अगर vy जीरो होता हमेशा तो ये ऐसा ही निकल जाता है ना, तो vy बढ़ रहा है यहां पे और बढ़ेगा, यहां पे और बढ़ेगा, यहां पे और बढ़ेगा, और बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, टकराते समय vy मैक्सिमम होगा, समझ गए ना? टकराते समय vy मैक्सिमम होगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए कि इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आइए निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है? हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ, कोई दिक्कत यहां पे? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हो गई यू, समझ रहे हो ना? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई यू, तो यदि मैं बोलूंगा वी एक्स, vx मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट एट एनी टाइम t, ये टाइम t, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट वही बना रहेगा ताउम्र जिंदगी भर कयामत से कयामत तक, है ना? u ही बना रहेगा, क्लियर है ना? u बना रहेगा। और नेक्स्ट आपको चाहिए vy, क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन है, जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की याद आती है, v equal to u plus at, तो लगाइए velocity का y component किसी भी समय पर, बेटा समझ में आ रहा है? velocity का y component पहले formula लिख दो, vy v equals to u plus at, तो vy y direction में equal to uy plus ay into कितना? t, small t, कोई भी समय, यहां पर मान लो कोई भी समय second है, t second, आप calculation कर रहे हो क्या होगी velocity? हाँ? नहीं, यहां का पूरे का लेना है तो कैपिटल टी लेना पड़ेगा आपको, यहां पे क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल टी। और पूरे का लोगे तो वेलोसिटी कहां पर निकलेगी? यहां पर। अगर पूरे का लोगे तो कैपिटल टी पर यहां की वेलोसिटी निकलेगी, क्योंकि आप पूरा ले रहे हो, ये कोई भी टाइम मैंने ले लिया टी सेकेंड, आने वाले क्वेश्चन में आप यहां पे दो सेकेंड, तीन सेकेंड, चार सेकेंड जो भी पुट करना हो पुट कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए वी वाई वही तो पता करना है, यू वाई बोलो बच्चों कितना है? स्टार्टिंग कितना था? यू वाई जीरो था, कुछ नहीं था, मतलब जीरो। बेटा ay कितना है? माइनस जी इंटू कितना? टी, मतलब vy इक्वल टू आ गया माइनस का g इंटू टी, आया बच्चों समझ में? ये आ गया माइनस जी टी, माइनस जी टी स्मॉल टी, ठीक है? तो बेटा अगर तुम यहां की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें यहां का कंपोनेंट दिखा रहा हूं वेलोसिटी का, माइनस जी इंटू बोलो स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी यहां का है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट। अब देखिए आपके पास दो वेलोसिटी के कंपोनेंट आ चुके हैं, रिजल्टेंट कैसी जाएगी वेलोसिटी? ये ऐसे जाएगी, तभी तो पार्टिकल ऐसा जा रहा है, रिजल्टेंट इस तरफ, कुछ यहां लग रहा है, कुछ यहां लग रहा है, दोनों का एक्शन होगा, पैरेललोग्राम लॉ से दोनों ऐड होंगे और ये वेलोसिटी का वेक्टर बनेगा, मतलब पार्टिकल फाइनली ऐसा जाएगा, याद आया? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो रिजल्टेंट वेक्टर v इक्वल टू, खूब पढ़ाया मैंने आपको, v वेक्टर इक्वल टू दो कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट है x और कुछ कंपोनेंट है y, इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप, कहिए याद आया कि नहीं आया? टोटल वेलोसिटी दो कंपोनेंट से मिली होगी, मिलके बनी होगी, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, vx i कैप प्लस vy j कैप, एग्री? तो टोटल वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू vx, व्हाट इज vx? What is vx? Just one second, beta. आप बैठ जाओ please. है ना? What is vx? That is equals to u I cap plus vy is what? बोलो minus gt j cap. Clear? So v vector equal to u I cap minus gt j cap. Now resultant of velocity. याद होगा
कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, u का स्क्वायर प्लस माइनस gt का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. किसी भी समय t की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा. क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया. दिस इज कंप्लीट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. ओके, कुछ